यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। आगे बढ़ेंगे। इसी बीच बड़ी खबर है, आज हाईकोर्ट में जंजैहली मामले को लेकर। जी हाँ, एसडीएम जंजैहली का जो मामला था बीते दिनों बहुत चर्चा में रहा, उसको लेकर के आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तो मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। एसडीएम जंजैहली कार्यालय जो वो मामला था, संघर्ष समिति के सदस्यों की याचिका पर आज सुनवाई की जाएगी। उन्होंने ये याचिका लगाई थी और याचिका में आंदोलन के दौरान हुए केस वापस लेने की मांग की गई थी। तो एसडीएम कार्यालय की नोटिफिकेशन रद्द होने पर संघर्ष समिति के सदस्यों ने आंदोलन किया था, काफी दिन तक आंदोलन करते रहे थे। आंदोलन के बाद हिमाचल सरकार ने फैसला ये लिया था कि एसडीएम 12 दिन के लिए जंजैहली में और बाकी दिन के लिए थुनाग में बैठेंगे। लेकिन अभी जो आज याचिका पर सुनवाई होगी हाईकोर्ट में, संघर्ष समिति की तरफ से ये डाली गई है। और क्या कुछ खास रहने वाला है आज, इस पर ज्यादा अपडेट के साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं जंजैहली से हमारे संवाददाता ललित कुमार। ललित, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अमन जी, देखिए, जिस तरह से ये जंजैहली स्टीम का मामला सुर्खियों में रहा, उसी को लेकर जंजैहली संघर्ष समिति के सदस्य ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ बैठक की थी। और बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि जंजैहली में स्टीम को 12 दिन के लिए बिठाया जाए और बाकी दिनों के लिए स्टीम थुनागर बैठेगा। और साथ में संघर्ष समिति के सदस्य ने ये मांग रखी थी कि हाईकोर्ट में इसकी याचिका दायर की थी साथ में, और उन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो उन्हें मान्य होगा जी। इस बात को लेकर सरकार और संघर्ष समिति के सदस्यों में एक सुझाव बना था और सहमति बनी थी, और उसको लेकर इसमें पहले दो सुनवाई हो चुकी है, जिसमें पहली सुनवाई में हाईकोर्ट ने ये कहा था कि इसमें आपसी जो दोनों पक्ष, एक जंजैहली और दूसरा थुनाग, वो आपस में बात करें और इस मामले को सुलझाए जी। लेकिन ये मामला सुलझा नहीं है और आज इसकी अगली जो सुनवाई है वो आज 25 तारीख को होने जा रही है, आज होगी। और ये देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट इस फैसले को लेकर क्या निर्णय लेता है जी। बिल्कुल, हो सकता है कि आज कोर्ट फटकार भी लगाए, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि आपस में सुलझा लिया जाए मामले को, लेकिन मामला अभी तक आपसी बातचीत से नहीं सुलझा पाई है दोनों जगह। जी अमन जी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। सरकार ने दोनों पक्षों को लगभग इसमें 12 दिन का समय दिया था जी। हाईकोर्ट ने कहा था कि इसमें दोनों पक्ष जंजैहली और थुनाग आपस में बात करें और बातचीत करके समस्या का हल निकाले जी। लेकिन दोनों पक्षों में बातचीत नहीं बनी और समस्या नहीं बनी, और वही आज ये अगली सुनवाई है दोनों पक्षों की, जो सुझाव देने और 12 दिन के बाद दोनों के आज जो कोर्ट में दोनों पक्ष रखेंगे जी, और जिस पर कोर्ट आज अपना निर्णय सुनाएगा। बिल्कुल, देखने वाली बात होगी आज कोर्ट क्या निर्णय सुनाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका ललित। तो आज एसडीएम कार्यालय को लेकर जो आंदोलन किया गया था संघर्ष समिति की तरफ से, उसको लेकर के आज याचिका भी बीते दिनों डाली गई थी और आज सुनवाई है उस मामले को लेकर हाईकोर्ट में। देखना होगा हाईकोर्ट क्या कुछ आज फैसला लेगा या क्या कुछ इस पर आज बहस होगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने 12 दिनों का समय दिया था और ये कहा था कि दोनों, यानी कि जंजैहली और थुनाग जो है, आपस में बातचीत करके इस मामले को सुलझाएं। लेकिन वो समय निकल गया जो हाईकोर्ट ने दिया था और अब तक ये मामला सुलझ नहीं पाया है, और आज इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी।